पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी खरीदारी लोग कर सकते हैं, उसी के जरिए लोगों को राशन की आपूर्ति हो रही है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अपर बाजार में, जहां कई दुकानें खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहां दुकानदार पूरी सावधानी के साथ इस समय खरीदारी करवा रहे हैं और सामानों की बिक्री कर रहे हैं। देख सकते हैं ये राशन दुकान है, जहां पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और जो राशन की जो किल्लत की खबरें आती हैं वो किल्लत राजधानी रांची में नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। प्रशासन लगातार दावे करती रही है कि जो खाद्यान्न पदार्थ है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। आप बताइए कितनी पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की सामान है आपके पास और प्रशासन कोई व्यवस्था कर रही है या नहीं? अभी तो क्योंकि दो चार दिन पहले से स्टॉक था तो उतना तो रहता है, पर आखिर पब्लिक पैनिक ज़्यादा बना दिया है। एक्चुअली क्या है, स्टॉक कभी ख़त्म नहीं होता, पर पब्लिक को लग रहा है कि जैसे खाने को नहीं मिलेगा, उस हिसाब से जो एक किलो लेने वाला था वो 10 किलो ले रहा है, कोई 5 किलो मांग रहा था। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक बैग पूरा, क्योंकि बहुत से स्टॉक आपके जैसे आपके पास है, बहुत से रास्ते में है, बहुत से उधर है, तो उधर से भी लोड होता है, तो अभी टोटल ट्रांसपोर्ट बंद है। तो माल की कोई कमी नहीं है, पर आगे ट्रांसपोर्ट बढ़िया से चालू हो जाए, जो गुड ट्रांसपोर्ट है, तो कमी कभी नहीं आने वाली है। पर क्या एट ए टाइम आपके पास एक लिमिट में आप स्टॉक रखते हैं, तो क्या पब्लिक एक के जगह 4 मांग रहा है, 4 के जगह 10 मांग रहा है, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा असर आ रहा है कि स्टॉक कम हो रहा है, और बहुत सा इसका फायदा उठा के ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहा है कि एक ही चीज़ को 3 में बेच रहे हैं, 3 को 4 में बेच रहे हैं, तो वो भी गलत भी हो रहा है। कहा जाए पब्लिक को पैनिक नहीं होना, पब्लिक को पैनिक होने की जरूरत ही नहीं, जब सरकार आश्वासन दे रही है कि आपको घर बैठे सारी चीज़ मिलेगी, तो पैनिक होने का क्या जरूरत है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। पब्लिक जब सरकार सारा नंबर दे रही है, जब मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि सारे व्यवस्था देखने के लिए सब कुछ बोल रहे हैं, या हेमंत सोरेन जी ने बोला है पेपर में डेली एड दे रहे हैं कि आपको ये नंबर है, ये चेन हम बनाए हैं, आप खाली फ़ोन कीजिए, आपको जो भी चीज़ है इतना ऑर्डर दीजिए, आपके घर पहुँचेगी। पर पब्लिक को पता नहीं क्या, इतना अपनी जान की भी परवाह नहीं है, पर हम लोग तो क्या करेंगे भाई, इसलिए हम लोग दूरी मेंटेन करके काम कर रहे हैं। हालाँकि हम लोग भी पता है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो बहुत रिस्क में काम कर रहे हैं, पर क्या करिएगा कि भाई हम लोग भी देखते हैं भाई कोई आदमी आए तो उसको कम से कम घर के लिए राशन लेके चले जाए, तो इसीलिए हम लोग भी खोले हुए हैं, क्योंकि घर में भी मन नहीं लगता, बैठ के करेंगे क्या। बाकी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग रिस्क पे काम करके एक तरह से दुकानदार भी रिस्क पर काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर सामानों की आपूर्ति करने के लिए लोगों के लिए सामान मुहैया करा रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये राजधानी रांची का अपर बाजार है, जहाँ कई दुकानें खुली हुई हैं। सामान ये आप देख सकते हैं, एक बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है इसलिए ताकि जो खरीदार हैं वो इस बैरियर को पार नहीं करें, और सुरक्षित जो दुकानदार हैं, दुकानदार सुरक्षित होकर अपने, लेकिन इस बैरियर को हम भी नहीं तोड़ने का प्रयास करेंगे और बात यहीं से करेंगे। ये बताइए कितनी असुविधा हो रही है इस समय, कार की ओर से कोई व्यवस्था है? असुविधा तो बहुत हो रही है, हम लोग पास माल नहीं है कस्टमर को देने के लिए, कस्टमर आ रहे हैं लेकिन खाली हाथ जा रहे हैं, सामान उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से दावे किए गए हैं कि सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार ने कोई आप लोगों से संपर्क किया है? सरकार हम लोग से संपर्क नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग पास कुछ कुछ माल इधर उधर से ऊंचा दाम में देके मैनेज करना पड़ रहा है। मतलब मार्केट का, मार्केट वैसा कोई बात नहीं है, मार्केट कस्टमर लोग जो आ रहा है उसको थोड़ा बहुत माल मिल रहा है। आपूर्ति जो हुई है उसमें मूल्य क्या वृद्धि हो गई है? क्या चीज़ में? मूल्यों में, सामान के मूल्य, मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया ट्रांसपोर्टिंग में जो फर्क आ रहा है उसका वृद्धि हुई है, और कोई खास बात नहीं है। पैनिक जो हो रहा है कि ज़्यादा सामान, ऐसी शिकायतें आ रही है? हाँ, पैनिक हो रहे हैं, जिसको थोड़ा 10 किलो माल लेना है वो भी 20 किलो 25 किलो 30 किलो मांग रहा है, थोड़ा सा पैनिक बना हुआ है, बहुत लोग पैनिक हुए हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार ये दुकानदार बता रहे हैं कि जो सामान है सामान उचित मूल्य पर मिल रहे हैं, और सामान की उपलब्धता जो है वो बाजार में बनी हुई है। कितने सामान की उपलब्धता बाजार में बनी है, और आप लोग क्या मान रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? सरकार सहयोग कर रहा है, घर घर सामान पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, और सरकार आगे भी सहयोग करेगी। बाकी सामान का सप्लाई ठीक होना चाहिए, सप्लाई ठीक होगा तो कस्टमर को सामान मिलते रहेगा। सरकार से कोई अपील करेंगे ताकि आप लोगों को सुविधा हो, लोगों को सुविधा हो? जो ट्रक जो माल आने वाले हैं वो जो बॉर्डर पे रुके हैं उनको पास कराया जाए, जिससे यहाँ सप्लाई बनी रहे।
सप्लाई बनी रहेगी और सप्लाई अगर नहीं बनी रहेगी तो सरकार को ट्रांसपोर्टेशन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि आम जरूरतों की जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में मुहैया हो सके। पूरे देश में जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अभी लचर है और जो बंद कर दी गई है उसको लेकर सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए ताकि बाज़ारों में जो आवश्यक चीज़ें हैं, खाद्यान्न पदार्थ हैं, उनकी आपूर्ति सही तरीके से हो सके। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM, साई टावर, फोर्थ फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची।